राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेबल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और अगर आप RPO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CPO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही GS पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और इस टेस्ट के अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपको कोशिश करना है मिनिमम 10 क्वेश्चन ठीक करने की। अगर आप पहले से ही GS GK पढ़ते आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट लगाना है, पहले खुद से अटैम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो आपको बताना है भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन 4th वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और स्टेटमेंट संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो RPF एग्जाम की और चाहे CPO एग्जाम की, उनके अंदर स्टेटमेंट संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है। आपको बताना है हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है, कौन सा सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही कथन नहीं है वो है न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर पहले से ही उनके वेतन भत्तों की बात बोल दी गई है। तो इसलिए हमारे न्यायाधीश वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2nd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता ग्रहण की है। तो वो कौन सा देश है जहां से हमने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली ली है। तो वो है ब्रिटेन। ऑप्शन 4th वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन का अधिकार देता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 16(2), इसके अंदर किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं। ऑप्शन 1st वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद है 127। 127 अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन 2nd वाला यहाँ पे राइट आंसर है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 127 संबंधित है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 1968 के बीच घोषित किया गया था। ऑप्शन 4th वाला यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व और उसके प्रतीक का युग्म गलत है। तो वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2nd वाला, पोटेशियम का PO नहीं होता है, K होता है, इसलिए 2nd वाला यहाँ पे युग्म गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। मौलिक अम्ल
सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने हाय डांस नामक नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्हें पुन नाम दिया और रचनात्मक नृत्य कहा? तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था उदय शंकर ने, ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। शरद ऋतु के दौरान कुलियों, चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कुलियों द्वारा, जो चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है झूमर नृत्य, ऑप्शन सेकेंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा वहाँ पर जो डांस किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है वो है झूमर नृत्य। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्ष्मी प्रिय महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी उड़ीसा नृत्य से, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम टेस्ट में देखने को मिलेंगे। गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत अपवाहित करती है? तो गोदावरी नदी जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 10% अपवाहित करती है, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान में रखना है, गोदावरी रिवर भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% जो है अपवाहित करती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो भारत के गुजरात राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डैश के लोग तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभावतया अवगत हैं, तो वो कौन से लोग हैं? तो वो मुंबई के लोग हैं जिन्हें तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभावतः अवगत रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है, मुंबई के लोग। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मानव रोग सूक्ष्म जीव संचरण का कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है, पहला युग्म हमें दे रखा है क्षय रोग विषाणु वायु, दूसरा दे रखा है छोटी माता विषाणु जल और अन्न। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई भी युग्म सही नहीं है, ना ही तो एक और ना ही दो, इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन डैश के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल के एक फीवा स्वीकृत खेल में आमतौर पर डैश होते हैं? तो बास्केटबॉल के एक फीबा स्वीकृत खेल में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर रहे हैं इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फीना विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 का मेजबान निर्धारित किया गया है? तो फीना विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 का मेजबान निर्धारित किया गया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सेकंड वाला यहां पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो भारत में उद्योगों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? तो आप आइडिया लगाएं किस वस्तु को जीएसटी छूट प्राप्त होगी। तो वो वस्तु है मानव उपभोग के लिए शराब, इसको जीएसटी छूट प्राप्त है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो किस चीज को जीएसटी से छूट प्राप्त हुई है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से विक्रम सेठ द्वारा लिखित उपन्यास को चुनिए। तो विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो वो था असुटेबल बॉय। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, चार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो चार धातुओं के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला, सभी चार धातुओं में दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व और उसके प्रतीक का युग्म गलत है? तो वो रासायनिक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम का जो प्रतीक है वो है के होता है, पीओ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड वाला का युग्म गलत है प्रतीक का। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2021 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एनबीएफसी एमआईएफ अपनी निवल संपत्ति के डैश से कम नहीं को योग्य संपत्ति के रूप में बनाए रखना आवश्यक है, तो वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 85%। ऑप्शन सेकेंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अंबेडकर ने किस वर्ष मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सेकेंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था? तो अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में लिखा था। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सेकेंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है तो साथियों, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं जीएस जीके से मिला के। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए तो आप यहाँ पे 18 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। हम आपके लिए पहले से ही काफ़ी सारी वीडियो बना के लेके आ चुके हैं जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो को भी देख लेना जहाँ पे मैंने काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है जीएस जीके के कराए हैं, तो उनको भी देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। अगर आप जीएस के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो इसलिए जीएस में जितनी ज़्यादा रिविज़न हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, वो करते रहें। और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।